बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्ची सरकार की जय। तो प्यारे भक्तों, कल आप लोगों ने 18वां अध्याय सुना, आज 19वां अध्याय। इसमें क्या क्या आना है? भूत घर में निवास, अमानत लौटाना एहसान नहीं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। एक बार आपने फरमाया कि जयपुर में एक जगह के विषय में आम धारणा थी कि वहाँ पर भूत इत्यादि बहुत रहते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति रात के समय न जाता और न ही रहता था। कुछ समय श्री परमहंस दयाल जी को वहाँ अकेले रहने का अवसर मिला। दरोगा जी के आदमी आपको शाम से पहले वहाँ पहुँचाते थे। एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद न रही। रात को जब याद आई तो किसी का साहस न था कि रात को वहाँ कोई जाए, परंतु ये डर भी था कि अगर दूध न पहुँचा तो दरोगा जी रुष्ट होंगे। एक नया परदेसी व्यक्ति दरोगा जी के यहाँ नौकर होकर आया था, उसे भेज दिया। जब वह आपके पास पहुँचा तो आपने उससे कहा कि रात हो गई है, अब यहीं पर सो जाओ। वह आपकी चारपाई के पास जमीन पर सो रहा था और आप अकेले ऊपर सो रहे थे। आप लेटे हुए ध्यान में थे तो आपको मालूम हुआ कि कोई स्त्री आपके पांव दबा रही है और कुछ व्यक्ति भांति भांति के बाजे बजा बजा कर नाचते गाते हैं। पहले तो आपको ख्याल हुआ कि शायद दरोगा जी की नौकरानी इस नौकर के साथ न आई हो, किंतु बाद में उसने इस ढंग से पैर दबाए कि आपको शक हुआ कि यह तो कोई भला है। आपने आंख तो खोली नहीं, परंतु धीरे से उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया और आपका हाथ बढ़ाना था कि वह चीख मार कर दौड़ी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसे भागी कि उस नीचे सोए हुए व्यक्ति को लातों से रौंद डाला। वह घबरा कर कहने लगा कि यह क्या भला है। आपने उसे तसल्ली दी कि चुपचाप सो जाओ। एक दिन एक फकीर आपकी सेवा में उपस्थित हुए। उनके सिर पर साफा तो रंगीन न था, किंतु बाकी कपड़े बड़े तड़क भड़क वाले थे। कोट पजामा कमीज घड़ी सब ठाट बाट छैलाओं का साथ बना था। आपने देखते ही फरमाया कि आप और ये पोशाक इधर पधारिए। ये जब पास आए तो बड़े प्रेम से उनका कोट इत्यादि उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उनकी अद्भुत दशा हो गई, जोश में नाचने लगे। आपने उनसे फरमाया कि अब कहाँ ठहरने का विचार है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि अब वन यात्रा और भ्रमण को जी चाहता है। आपने कहा अच्छा जाओ। उस समय वे माथा टेक कर चले, किंतु फिर उनका कुछ पता न चला और न किसी परिचित से भेंट हुई। कई लोगों ने आपसे प्रार्थना की कि हजूर उन पर बड़ी कृपा की। आप श्री ने फरमाया अमानत लौटाना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं है। एक बार सर्दी के दिन थे, एक जागीर साहिब ने बहुत मूल्यवान काबुली दुसाला आपको लाकर ओढ़ा दिया। अभी जागीरदार वहीं विद्यमान थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और आपसे कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको पहनाओ। तो दादा गुरु ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा और कुछ? उन्होंने कहा कि हाँ, ओढ़ने की आवश्यकता है। तो आपने वही दुसाला, काबुली दुसाला उन्हें ओढ़ाने को दे दिया और पूछा अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर नंगा है। तो आपने उसे टोपा भी दे दिया और पूछा कुछ और? उन्होंने अर्ज किया कि टांग खुली है। आपने धोती उतार कर उसे दे दी और बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए। फिर पूछा कि कहिए और कुछ चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि बस और फिर चल दिए। भक्त थे कि दौड़ पड़े और दूसरी धोती और चोला लाकर आपको पहनाया। जयपुर में एक व्यक्ति श्री परमहंस दयाल जी के पास आया, उनसे अफीम के दड़े के विषय में प्रश्न किया। मुझको दड़ा मतलब दीजिए, मुझको दड़ा बतला दीजिए। आपने पहले तो बहुत इनकार किया, पर वह टाले से न टला। आपने फरमाया कि दड़े से तुमको कुछ लाभ न होगा। फिर पानी से भरा हुआ एक प्याला आपने पास मंगवा कर रख लिया और उसे बुलाकर कहा कि इसमें देखो। उसने जब प्याले में निगाह डाली तो उसे पानी में कुछ अंक दिखाई दिए जो उसने याद कर लिए। श्री परमहंस दयाल जी तो उसके बाद जयपुर से कहीं और चल दिए। जब वापस लौटे तो वही व्यक्ति मिलने आया तो उसने पूछा कि तुमको उस अवसर पर कितना रुपया मिला था। तो उसने कहा कि महाराज, दड़ा तो वही निकला था जो मैंने देखा था, किंतु मेरे दिल में कुछ भ्रम हो गया, इसलिए मैंने उसमें रुपया नहीं लगाया। एक बार प्रसंगवश किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस समय इंसान के दिल में बुरे विचार उत्पन्न हो तो समझना चाहिए उसका मन मर गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह ठीक नहीं, जिस समय इंसान के बुरे कर्म न होते हों तो जानना चाहिए कि उसका मन मर गया। जब किसी बात का निर्णय न हुआ तो श्री परमहंस दयाल जी से पूछा गया। आपने फरमाया कि जिस समय बुरे भले दोनों प्रकार के विचार बंद हो जाए उस समय समझना चाहिए कि अब मन मर गया, क्योंकि एक लोहे की बेड़ी है और दूसरी सोने की, लेकिन है तो दोनों बंधन के कारण। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ऐसे व्यक्ति आजकल तो हो नहीं सकते और न देखने में आते हैं। आपने फरमाया, होते क्यों नहीं, बंगाल में श्री परमहंस जी हैं थे और एक महात्मा को हमने भी देखा है। एक पंडित जी उनसे प्राय मिलने जाया करते थे, परंतु महात्मा जी अपने तन बदन की सुध न थी। जब वहाँ जहाँ चाहे टट्टी पेशाब कर दिया और जहाँ चाहा पड़े रहे। पंडित जी के दो विद्यार्थी इस बात से बड़े अप्रसन्न थे कि जब हमारे अध्यापक जी इनके पास आते हैं तो यह फकीर उनका कुछ सत्कार नहीं करते, बल्कि उनके सामने ही मलमूत्र त्याग देते हैं और यूं ही बुद्ध बने रहते हैं, इसलिए उनको मारना चाहिए। यह विचार करके दोनों वहाँ गए। एक लड़के का तो साहस न हुआ, लेकिन दूसरे लड़के ने साहस करके खूब शिष्टाचार किया। वह बैठे पीटते रहे और हंसते रहे। जब वह मार पीट कर घर पहुँचा तो खूब जोर का बुखार चढ़ गया, जिसके कारण पाठशाला भी न जा सका। पंडित जी ने उसकी अनुपस्थिति का कारण दूसरे लड़के से पूछा तो उसके साथी लड़के ने सब हाल कह सुनाया। हम दोनों ही इसी निश्चय से गए थे, किंतु उसने महात्मा जी की खूब पिटाई की, उसी समय से उसको बुखार चढ़ा हुआ है। पंडित जी ने कहा, दुष्टो, बड़ा अनर्थ किया। तुरंत फकीर साहब के पास पहुँचे और उनके चरणों में शीश रखकर प्रार्थना की कि उस लड़के का अपराध क्षमा कर दें, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने हंसकर फरमाया, जिसने मारा और किसको मारा सब भगवान भली करेंगे। वहाँ से लौटकर पंडित जी लड़के को देखने गए तो उसका बुखार तुरंत दूर हो गया। उन महात्मा जी की ऐसी और भी बहुत सी बातें देखने में आई, किंतु उनकी ओर से उसमें कुछ हस्तक्षेप न था, बल्कि उनकी ओर से कुदरत बदला लेती थी। कहने का तात्पर्य, आप सभी भक्तों से, ये प्रभु की लीला है। संतों को आप गाली भी दे लेंगे, मार भी लेंगे, पीट भी लेंगे, संत क्योंकि अपने शरीर को अपना नहीं समझते। आप संतों को पीट रहे हैं तो संत समझते हैं आप भगवान को पीट रहे हैं। आप संतों को गाली दे रहे हैं तो संत समझते हैं आप भगवान को गाली दे रहे हैं, क्योंकि जिसने अपना सर्वोच्च भगवान को अर्पण कर दिया तो फिर उसका रह क्या गया, सब कुछ तो फिर भगवान का है। और ऐसे दयालु संतों का होना बहुत जरूरी है। आज इस कली काल में संतों को इसी रूप में होना चाहिए। तो मैं इतनी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।